देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उस वक्त बड़ी खबर आई जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक से भरभराकर गिर पड़ी और इमारत का मलबा वहां काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा, जिससे एक साथ दो मजदूर मौत की नींद सो गए। 2 बजे के आसपास मैं अपने दफ्तर पर बैठा हुआ था तो मुझे यहाँ से किसी लोकल भाई ने फोन किया कि हाजी साहब जो है 4 नंबर गली में बिल्डिंग गिर गई है, उसके अंदर कुछ लोग दबे हैं। तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा तो यहाँ अपने आकर के देखा कि जो ये मकान जो है जिसका पिछला हिस्सा टूट के गिर गया है, तो उसके अंदर हमने पता किया कि कितने लोग दबे हुए हैं, तो बताया कि 3 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। तो हम लोगों ने मौके पे और एरिया के जो मेरे लोकल मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रखते हुए और उसको फावड़ों से, गैती से या बेलचों से उनको हटा करके, काफ़ी टाइम लगा उसके अंदर, लगभग 2 घंटे लग गए होंगे, 3 लोगों को निकाल लिया। इसके अंदर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि 2 लोग की डेथ हो गई है और एक का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हादसा हुआ वेलकम इलाके के कबीरनगर में। उस वक्त रात के करीब 2:15 बज रहे थे, तभी एक पुरानी निर्माणाधीन इमारत में कुछ मजदूर रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान वो बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाती है। बिल्डिंग के गिरते ही कई मजदूर मलबे में दब जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और सवाल ये होता है कि ऐसी जर्जर स्थिति में यहाँ पे कैसे वो अंदर सो रहे थे, ये तो इंक्वायरी का विषय है और इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सियासी बातें ना हो करके इसमें एक न्यायपूर्ण काम होना चाहिए और दिल्ली MIM ये मांग करती है कि भाई इस पे एक फ्री एंड फेयर जो है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो। पुलिस प्रशासन से लेकर NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचते ही टीम राहत बचाव का काम तेजी से शुरू कर देती है। उसके बाद रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे 3 मजदूरों को बाहर निकाल लेती है। फिर उन्हें आनन फानन में GTB अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 2 मजदूरों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 3रे का इलाज जारी है। बता दें कि कुछ महीने पहले दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था, जहाँ एक निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल भरभराकर गिर गई थी। इसके अलावा 2022 में भी 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली में हो रहे इन हादसों से बड़े सवाल उठने लाजमी हैं। आखिर बार बार इसी तरह के हादसे दिल्ली में क्यों हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।